there are doubters and haters all around. But one thing is for sure, that I've always believed in myself. I've always believed in my heart that if I work hard 120% every day of my life, I'm non-serviceable to no one. कैसे दिल्ली के एक छोटे से शहर उत्तम नगर में जन्मा बच्चा आज इतिहास पे इतिहास रचे जा रहा है। क्या थी वो चीजें जिन्होंने विराट को इतनी सफलता दिलाई, और कैसे हम भी उन्हें सीखकर अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं? That's what we're going to discuss in this video. So watch this video till the very end. जब विराट ने इंडियन टीम के लिए खेलना शुरू किया तो ज्यादातर लोगों को यह यकीन था कि विराट एक दिन बहुत अच्छा बैट्समैन बनेंगे, लेकिन ही विल टर्न आउट टू बी अ लेजेंड ये किसी ने नहीं सोचा था। विराट आज सिर्फ वनडे में नंबर वन बैट्समैन नहीं है, वो वनडे, टेस्ट, T20 गेम के तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड के नंबर वन बैट्समैन है, और उनका नंबर वन होना कोई इत्तफाक की बात नहीं है। एक और इंटरव्यू में जब बोरिया मजुमदार, जिन्होंने सचिन की बायोग्राफी भी लिखी है, वो पूछते हैं कि गुजरात में एक मैच था और इतनी गर्मी थी कि किसी के लिए धूप में 30 मिनट तक खड़े रहना भी मुश्किल था, वैसे कंडीशंस में आपने 100 बनाए थे, तो इतनी एनर्जी आप लाते कहां से हैं? तो विराट ने कुछ इस प्रकार जवाब दिया। Where is that reserve of strength coming from? Well, it's, see, honestly, it's the way you prepare, it's the way you set up for a cricket game. For me, basically, my motivation is that I need to run as quickly between the wickets after 100 as I am on zero. So I need to train like that. Even my cardio sessions are mostly high intensity sprints, you know, going uphill, wearing high altitude training masks, which don't let you breathe oxygen so much, so they expand your lungs more. And that's why I'm able to push myself even if I'm on 70, 80 for those, you know, doubles and quick singles in between the wickets. See how Virat talks about his physical fitness along with his mindset that helps him so much in the game? इस चीज को हम आगे आने वाले पॉइंट्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now, talking about mindset brings us to point number two. I've never wanted to be average since I was small. I think it's in my subconscious. It's something that I don't have to think about. Maybe that's the reason that pushes me. Unless my body doesn't break down, I, you know, till the time I'm fit and fine and running around, I will give my 120%. विराट यहाँ मोस्टली दो चीजों पर जोर देकर बात करते हैं। पहली है, he never wanted to be an average, और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वो इस्तेमाल करते हैं, वो है subconscious world का। subconscious से विराट यहाँ subconscious mind की बात कर रहे हैं। Let me put it simply, example के तौर पर समझिए कि हमारा दिमाग एक plane की तरह है। conscious mind उस plane का crew होता है, वहीं subconscious mind उस plane का pilot होता है। कॉन्शियस माइंड आपको आपकी डेली चॉइसेस या फिर डिसीजंस लेने में मदद करता है, जो आप फुली अवेयर होकर लेते हो, लेकिन वो प्लेन या सीधे बोलो तो आपकी लाइफ कहाँ जाएगी ये डिसाइड करता है उस प्लेन का पायलट और सिंपली ये सबकॉन्शियस माइंड। जैसा डेटा या तो पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से या फिर जैसी आपकी लर्निंग होगी आपके सबकॉन्शियस में फिल्ड होगा, आप वैसे ही बनते जाओगे। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे थॉट से भरा हुआ है कि यार मैं तो एवरेज हूँ, आई एम जस्ट अ लूजर, तो चांसेस है यू माइट एंड अप बीइंग वन। लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड कोहली की तरह है और आप खुद को ये बोलते हो कि आप आज नहीं तो कल जरूर सफल बनोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनोगे। दैट ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 3 ऑफ टुडेज वीडियो, कमिटमेंट। छोटी या बड़ी, अगर आपके पास कोई भी जिम्मेदारी है तो उसे पूरे दिलो जान से निभाइए। The kind of position BCCI has put me in, which I'm very thankful of, I take it as an opportunity. I don't take this, you know, as a job. It's an opportunity and it's a responsibility. I've been put in a place that I need to do the right things, you know, set the right examples, and follow a certain path that the whole team believes in. 2016 की बात है। IPL के final में पहुंचने के लिए RCB को लगातार 4 matches जीतने थे। किंग्स इलेवन पंजाब के मैच से पहले विराट को चोट लगी और उन्हें 4 स्टिचेस आए। इसके बावजूद विराट खेले और पहले बैटिंग करते हुए विराट ने 113 रन बनाए, वो भी महज 50 बॉल में, और सेकंड इनिंग्स में अक्षर पटेल का ऊंचा कैच भी पकड़ा। बहुत कम मौके हैं जब हमने विराट को इतनी तकलीफ में देखा होगा। वो चाहते तो सेकंड इनिंग्स में ब्रेक ले सकते थे, लेकिन ये कमिटमेंट है अपनी टीम को जीत दिलाने की।
और इसी कमिटमेंट की वजह से आरसीबी 2016 आईपीएल के फाइनल्स तक पहुंची। जब आप इस तरह का कमिटमेंट अपने काम में दिखाते हैं तो दूसरी क्वालिटीज जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगती हैं और सबकॉन्शियसली आप दिन प्रतिदिन बेहतर बनते जाते हो। लोग अपने आप आपकी रेस्पेक्ट करने लगते हैं और फॉलो करने लगते हैं। चौथी और आखिरी क्वालिटी है हार्डवर्क और फिटनेस। अगर आप फिट नहीं हो आप खेल ही नहीं सकते, ट्रेनिंग नहीं है तो चांस ही नहीं है, आपकी रिकवरी हो ही नहीं सकती एंड मेजर इंजरी विल बी वेरी क्लोज। अभी गेम इतनी प्रोफेशनल हो गई है, इतनी जोर से आगे बढ़ रही है, अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप इतनी पीछे रह जाओगे। फिजिकली बीइंग एक्टिव एंड हेल्दी हेल्प्स यू थिंक बेटर, हेल्प्स यू मेक बेटर डिसीजंस। इट्स नॉट अ थिंग दैट मेनी पीपल अंडरस्टैंड बट दैट्स द फैक्ट। इट हेल्प्स यू फील पॉजिटिव, यू नो, व्हेन यू जस्ट लाइंग अराउंड डूइंग नथिंग, इट्स एन इनविटेशन फॉर नेगेटिविटी। यहां पर विराट दो टाइप्स ऑफ हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में विराट फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकली फिट रहना कितना जरूरी है आज के क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। एंड सेकेंड टाइप ऑफ हेल्थ एंड मोर क्रूशियली विराट जिसकी बात कर रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ, जिसका फिजिकल हेल्थ से डायरेक्ट कनेक्शन है। बिसाइड्स स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे कई लोग हैं जैसे कि CEOs और एनी अदर सक्सेसफुल पर्सन जो कि एक फिटनेस रूटीन जरूर फॉलो करते हैं। ऐसा करने से वो अपनी दिमागी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं और मेंटली फिट रह सकते हैं, जो बाद में उन्हें और भी कई फायदे देता है और ब्रेन को उसकी पीक परफॉर्मेंस पे काम करने के लिए तैयार भी करता है। अगर आप भी कोहली की तरह इन चार क्वालिटीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाला कल आपके कदमों में होगा और आपको एक कामयाब इंसान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, एम करते हैं 21 लाइक्स के लिए। क्या आपको कोहली की इन क्वालिटीज़ के बारे में पता था? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करें और हाँ, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे और भी इंस्पायरिंग वीडियोस लाता रहूँगा। अंटिल देन, स्टे हंग्री, स्टे क्यूरियस एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।